हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे का बना बहुत ही टेस्टी नाश्ता। बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बनके तैयार होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको लेना है गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैं एक कप की क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा जितनी क्वांटिटी में आपको स्नैक्स बनाने हैं। और आटा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक। और नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक मीडियम सॉफ्ट सा डो बना के रेडी कर लेंगे। जिस तरीके से हम चपाती के लिए बनाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आटे को गूंथ लिया है। अभी हम इसको रख देंगे साइड में। और तब तक हम यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू लेंगे। और आलूओं को हम छील कर इसे ग्रेट कर लेंगे मीडियम वाले ग्रेटर से। और यहाँ पे मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं इसका पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। तभी हम इसे 4 से 5 बार धो लेंगे पानी से। तो यहाँ पे मैंने इसे वॉश कर लिया है और आलू एकदम क्लीन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज लंबाई में कटा हुआ। गाजर डालेंगे मीडियम साइज की ग्रेट की हुई। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि हमने जो इसमें सब्जियाँ इस्तेमाल की हैं उन सभी सब्जियों में पानी होता है, इसलिए हमने इसमें नमक ऐड किया है जिससे कि सब्जियों का पानी इससे रिलीज़ होगा। और नमक डालने के बाद हम यहाँ पर हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी सब्जियों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अगर आपको यहाँ पे कोई और सब्ज़ी ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉर्न वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह। अभी यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें सारा पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गया है। अभी हम यहाँ पे सब्जियों का पानी निचोड़ लेंगे हाथों से। तो बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पे निचोड़ना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप हाथों से दबा के इसका सारा पानी निकाल दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना पानी छोटा है सब्जियों में से। इस पानी को हम फेंक देंगे। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च डाल देंगे। और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। अभी हम यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे, हल्के से मसाले ही डालेंगे। और यहाँ पे मैंने इसे बना लिया, इसको रख देंगे साइड में। अब आपको यहाँ पे गूंथा हुआ आटा लेना है और इसके हम यहाँ पे 2 बराबर पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इसे 2 बराबर हिस्सों में कट करना है। और एक पार्ट को हम रख देंगे साइड में और एक पार्ट हम यहाँ पे लेंगे। और इसकी हमें यहाँ पे एक लोई बना के तैयार करनी है। और यहाँ पे अब हम इसे बेलेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी सी इसकी रोटी बेलनी है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे 2 रोटी बेलकर तैयार करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रोटियों को बेल लिया है। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हम इसे इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब सब्जी में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे इस तरीके से रोल करेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से इसे रोल करना है, ज़्यादा आपको इसे प्रेस नहीं करना है, वरना इसकी जो शेप होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से रोल कर लिया है और 2 रोल मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। 2 ही रोल में बहुत सारे स्नैक्स हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर इसे स्टीम करना है। तो यहाँ पर मैंने एक झन्ना ले लिया है इस तरीके का, आप चाहें तो स्टीमर ले सकते हैं। अब झन्ने पर हम यहाँ पर इसे रख देंगे। और आपको यहाँ पर झन्ने को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रखा था, इसी में हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने झन्ने को भगोने पे रख दिया है। अब हम यहाँ पे इसे ढक देंगे और ढक के इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तब तक हम यहाँ पे स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक बाउल लेना है, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। आपके पास ब्राउन वाले हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। साथ ही में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा टीस्पून डाल देंगे हम इसमें नमक। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स आधा टीस्पून। चिली फ्लेक्स और हरे धनिया के पत्ते से इसका लुक अच्छा आएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक पतला सा घोल बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ये देखें। तो अभी हम इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर हमने जो स्टीम होने के लिए नाश्ता रखा था वो भी अच्छी तरह से स्टीम हो गया है, पक गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इसे झन्ने को निकाल के रख देंगे और नाश्ते को हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाश्ता जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम यहाँ पे इसकी शेप कट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक जो रोल है उसे साइड में रख देना है
और एक रोल को आपको यहाँ पे लेना है और इस तरीके से आपको नाइफ की हेल्प से इसमें तिरछे कट लगाने हैं। ये देखें ट्राइंगल शेप में हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। इस तरह से जो इसकी लुक आएगी बहुत अच्छी आएगी। आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों रोल्स को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले नाश्ते को स्लरी में डिप करना है। आप चाहें तो इसे स्टीम करने के बाद नाश्ते को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी का नाश्ता रहेगा। अब हम यहाँ पे इसे क्रंची बनाने के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक एक स्नैक्स को डिप करेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। और यहाँ पे आपको इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है अंदर से। तो आपको बस इसके ऊपर की लेयर को फ्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट में यह मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसे ऑयल से निकालेंगे और आप यहाँ पे सुनिएगा कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो इसी तरीके से आप बाकी के बचे हुए स्नैक्स को फ्राई कर लीजिएगा वन बाय वन करके। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व किया है चटनी के साथ में। आप चाहें तो यहाँ पे रेड चिली सॉस या फिर टमाटो केचप के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। जो भी सॉसेस आपको पसंद हो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसे सर्व कीजिएगा। और यह बरसात के मौसम में इस तरीके से क्रिस्पी नाश्ता और हेल्दी नाश्ता सभी को खाना पसंद है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही नई नई रेसिपीज लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।